व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सब। अच्छा, आज की वीडियो में वीवो के ऊपर बात करने लगा। वीवो सब किसान, सब की जान वगैरह वगैरह वगैरह। वीवो ने और ओप्पो ने कट्ठा पाकिस्तान में स्टार्टिंग ली थी। दोनों कंपनी अच्छी थी, लेकिन ओप्पो के चंद मोबाइल की वजह से ओप्पो आगे निकल गया। वीवो के चंद मोबाइल की कमियों की वजह से वीवो की मार्केटिंग अभी इतनी अच्छी नहीं बनी। लेकिन कुछ ही दिन पहले वीवो ने कंपनी ने दो मॉडल इंट्रोड्यूस करवाए थे, एक था v11 और एक था वी उसका प्रो वर्जन। ये तो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एक रेगुलर जब कोई मॉडल लॉन्च होता है, कोई भी हो, उसका प्रो वर्जन लाजमी होता है। तो चलो आज इस पे बात कर लेते हैं। पहले प्राइस में फ़र्क किया जाए तो रेगुलर जो सा v11 40,000 रुपये का, जो सा प्रो वर्जन है 50,000 रुपये का। अब डिफरेंट इन दोनों में जो सा ना, मैंने प्रो वर्जन में से 10,000 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो चेक करते हैं कि प्रो वर्जन में ऐसा 10,000 रुपये में क्या चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है। रैम का फ़र्क होगा, रोम का फ़र्क होगा, क्या चीज़ है इसकी। तो OS की बात की जाए तो दोनों में ओरियो 8.1 है, जबकि ड्यूल सिम है रेगुलर। अब चीज CPU की बात की जाए, CPU जो सा ऑक्टा कोर दी है 4x2.2 GHz ऑक्टा कोर, जितने ये जो सा इन्होंने नंबर दिए इस लिहाज से बेहतरीन है। मतलब कि आगे 2.2 है तो आगे ये अपनी परफॉर्मेंस में वाकई ऐसा साबित हुआ, तो ये बहुत फास्ट तरीन मोबाइल होगा। अब चिपसेट की बात की जाए तो प्रो वर्जन में स्नैपड्रैगन इंट्रोड्यूस करवाया 660, जबकि रेगुलर v11 ने मेडियाटेक की चिप इंट्रोड्यूस करवाई है p16। साइज़ की बात की जाए, स्क्रीन साइज़ और इसका डिस्प्ले, तो सबसे पहले इसकी स्क्रीन साइज़ की बात कर लेते हैं। जो दोनों मॉडल जो से हैं 6.4 इंच स्क्रीन है, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है। जबकि सैमसंग ने इस स्क्रीन सेम साइज़ में अपना मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया था नोट 9, मतलब कि नोट 9 की भी स्क्रीन डिस्प्ले 6.4 इंचेस है। PPI रेजोल्यूशन की बात की जाए तो आपको 40,000 रुपये में 50,000 रुपये में सेम PPI रेजोल्यूशन मिलेगी, मतलब 402, जबकि ओप्पो वाले 409 दे रहे हैं। मतलब कि अभी बात सारी है कि 7 नंबर से फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन PPI रेजोल्यूशन का 1 पॉइंट से भी फ़र्क पड़ता है। PPI रेजोल्यूशन आपकी स्क्रीन की वीडियो की ग्राफिक्स और रेजोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं। जितनी PPI रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, उतनी आपकी ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छी होगी। मतलब कि ज़्यादा आपकी रात के वक्त जब आप वीडियो को फुल ब्राइटनेस करके देखेंगे तो आपके कलर इफेक्ट इंक्रीज होंगे, ना कि आपकी स्क्रीन बिल्कुल वाइट हो जाएगी। अब रैम और रोम की बात की जाए, लेकिन इससे पहले मैं प्रोटेक्शन की बात कर लें तो 40 से 50,000 रुपये में इन्होंने गोरिल्ला ग्लास 5 हमें दे रहे हैं, जबकि मे बी 6 होगा, लेकिन अभी तक कन्फर्म नहीं है इस बारे में। तो रैम और रोम की बात की जाए तो इस मोबाइल ने रैम और रोम का मसला हल कर दिया। मतलब कि आप 40,000 रुपये भी खर्चोगे या 50,000 खर्चोगे, आपको रोम मिलेगी 128 GB, जबकि रेगुलर वीवो v11 के साथ वो 4 GB रैम 128 GB रोम, और प्रो वर्जन में 6 GB रैम। बल्कि 10,000 रुपये में हम लोगों को जो है ना 6 GB रैम मिल रही है एक्स्ट्रा। मतलब कि ये बेहतरीन है, मतलब कि प्राइस में बेहतरीन है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि दोस्तों, अगर पाकिस्तान में आप लोग कहते हैं 128 GB आपको रोम मिले तो आपको 50,000 रुपया खर्चना ही पड़ेगा, लेकिन इस मोबाइल में वीवो वालों ने आपको साबित कर दिया कि मतलब कि मुझे गलत साबित कर दिया कि आपको 40,000 रुपये में भी 128 GB रोम मिल जाएगी, कार्ड वगैरह का झंझट नहीं रहा। अब मेन कैमरे की बात की जाए तो मेन कैमरा मतलब कि बैक के कैमरे, बैक पे ड्यूल कैमरा रेगुलर वीवो में जो 16 MP के साथ 5 MP है, जबकि 16 MP की अपॉर्चुनिटी नहीं लिखी हुई कि कितनी फोकल है, जबकि 5 की लिखी है 2.4। जबकि प्रो वर्जन में कैमरा इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे इन्होंने डिक्रीज नंबर लिखा हुआ, यहाँ पे 12 MP लिखा, फोकल 1.8 के साथ प्लस 5 MP कैमरा। आई होप यहाँ पे कोई करेक्शन होगी या मे बी कोई समथिंग मिस्टेक होगी, कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में इसकी ज़रूर हमें कन्फर्म हो जाएगा कि इसका मेन पे भी जो सा प्रो वर्जन, उसमें भी 12 MP है कि 16 MP। रही बात आप फ्रंट की बात की जाए दोस्तों, तो 25 MP कैमरा फोकल और 2 के साथ बेहतरीन है। अब इसकी जो सी है ना सेंसर, मतलब कि फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट इन द स्क्रीन, मतलब कि वीवो ये अपनी जनरेशन का कंपनी का वो फर्स्ट मॉडल है v11 प्रो, जिसमें इन्होंने स्क्रीन के अंदर थम दी है। बहुत लोगों ने उम्मीद लगाई थी सैमसंग कंपनी से कि वो नोट 9 में ये फीचर हमें इंट्रोड्यूस करवाएगी, लेकिन अभी तक इन्होंने नहीं करवाया। ये इन्होंने फीचर इन्होंने नेक्स्ट मॉडल के लिए छोड़ी है, सैमसंग गैलेक्सी S10, और उसमें 100% शोर है कि लोग जो उनसे ना ये स्क्रीन के अंदर थम दे रहे हैं। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी टाइमिंग की बात की जाए, प्रो वर्जन में हमें 3400 mAh दे रहे हैं, जो कि बहुत कम है। या जो 6.4 इंच डिस्प्ले हो तो कम से कम इन्हें 4000 mAh देनी चाहिए, क्योंकि जितना स्क्रीन साइज ज़्यादा होगी क्योंकि उतनी कंसप्शन भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा अच्छा होगा कि जल्दी उसकी बैटरी टाइमिंग ख़त्म हो जाए। जबकि रेगुलर v11 में ये दे रहे हैं 3315, ये कोई गाड़ी का नंबर नहीं है, कम से कम बैटरी स्टैंडर्ड की दे रहे हो 3300 नहीं, कम से कम बैटरी टाइमिंग तो सेम रखते हैं, क्योंकि डिस्प्ले सेम है प्रो रेगुलर वर्जन में। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज चंद एक।
आई होप कि आप लोगों को प्रॉपर्टीज अच्छी लगी हो। जो लोग वीवो के यूज़र्स हैं उन्हें बेहतरीन पता होगा कि क्या फ़र्क है इसमें और क्या चीज़ है। फिलहाल न्यू इंट्रोड्यूस्ड हुआ और जैसी इसकी स्पेसिफिकेशन है प्राइस के लिहाज से भी बेहतरीन है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो मेरी होगी सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 6 GB रैम के साथ 64 GB रोम और जबकि 8 GB रैम के साथ 512 GB रोम प्राइस और उनमें डिफरेंट। अल्लाह हाफिज़।